ये हमारा सेकंड डे है पालोलेम में, और हम यहाँ पर आज लंच करने आए हैं। कल हमने इसके साथ वाले रेस्टोरेंट में लंच किया था, आज हम यहाँ का टेस्ट देखने आए हैं। ये रेस्टोरेंट स्वादिष्ट के नाम से है, और मेरी इनके ओनर से बात हुई तब पता चला कि ये कश्मीर से हैं और टंगमर्ग के रहने वाले हैं। तो मैंने इनको बताया कि मैं अभी टंगमर्ग गया था, मैं वहाँ पर रुका था जो कि गुलमर्ग के पास है, वहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, वो गुलमर्ग के रास्ते में पड़ता है। तो इनको मैंने टंगमर्ग की फोटो दिखाई तो ये बहुत खुश हुए, बोले कि मैं पिछले 4 साल से नहीं गया हूँ टंगमर्ग। फिर हमने इनको एक पनीर बटर मसाला रोटी और एक पैनकेक ऑर्डर किया, जो इन्होंने बहुत ही बढ़िया बनाया, बहुत दिल से बनाया था, और जिसे खा के हमें बहुत अच्छा लगा। और जो प्राइस हैं वो भी बहुत नॉर्मल है, जो कि आप दिल्ली में कह सकते हैं एक ढाबे के प्राइस होते हैं, वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के प्राइस थे। तो आप जब भी आए यहाँ पर खाना जरूर टेस्ट कीजिए, बहुत ही बढ़िया खाना। थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है और आप इस बीच की खूबसूरती देखिए। यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है, जैसे जेट्स की, पैरासेलिंग, और भी कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है जिससे पोल्यूशन हो। इसीलिए ये बीच बहुत साफ है और यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा साफ है। ये जो नज़ारा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हवा देख, तेरा टिड देख, अंदर गाले टिड नू अंदर कर, मैन विल बी मैन। सिर्फ बीच ही नहीं, बीच के आसपास का जो माहौल है, जो नज़ारा है, वो इतना अद्भुत है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि बस यहाँ पर ही बैठे रहो, यहाँ पर ही घूमते रहो, इतना अद्भुत नज़ारा है। गोवा में और भी बहुत सारे बीच हैं, लेकिन जो ऐसे नज़ारे हैं वो किसी बीच पे नहीं है। और बीच भी अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन इस बीच का गोवा में क्या, एशिया में भी मेरी नज़र से दुनिया में नंबर 1 बीच है। और हकीकत में माने तो इस बार मेरा गोवा आना पूरा कंप्लीट हुआ। हर बार मेरा पालोलेम का प्रोग्राम रह जाता था, 7 बार आया, 7ों बार रह गया, लेकिन इस बार मेरा गोवा कंप्लीट हुआ। ये हमारा सेकेंड डे है पालोलेम के अंदर, और कल हमने यहाँ से एरम्बोल के लिए जाना है, लेकिन इस बीच को छोड़कर जाने का हमारा कहीं और जाने का मन नहीं कर रहा। हमारा 8 दिन का, 7-8 दिन का ट्रिप है, और हम सोच रहे हैं कि हम सारा टाइम यहीं पर बिताएं। पहले हमारा यहाँ से आज सुबह कारवार जाने का प्रोग्राम था, जो कि गोवा और कर्नाटका का बॉर्डर पड़ता है। कारवार यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर भी घूमने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हमने पालोलेम को छोड़ के जाना उचित नहीं समझा और यहीं समय बिताने का फैसला लिया। गसली पालोलेम है ना, इधर रुकी आज दिन, सॉरी कल। पूरी खाएंगे इस तो बाद मसाला डोसा ना, डोसा कैंसिल करके महाराज जी ने यूथपम मंगाया। सांभर कैसा? बहुत बढ़िया।
एग बिरयानी कैसी थी? बहुत बढ़िया। देख थाईलैंड फेल है, वियतनाम फेल हो गया, मलेशिया फेल हो गया, भाई साहब ऐसी जगह नहीं देखी मैं। अरे मैं कह रहा हूँ बहुत ही खतरनाक जगह है यार, मतलब अंदर जिन्ना पहाड़ा के पीछे बन के एक सीक्रेट जगह बनी हुई है। अरे फॉरेनर्स आए हुए ने बड़े बड़े तगड़े तगड़े पार्टियां, 4,500 रुपए का एक कमरा है। हाँ वर्थ हैगी, बस है की अगे जाई जाओ ते अगे बहुत मतलब सुनसान जा हो जाता है। ऐसे तक ही ठीक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूरख, अजूनी सैबन गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। दबाद है ते मैं कह रहा सी कि एक जिम्मेदारियां ने यार टाइम नहीं हैगा है ना, ते ओना नु भी कुदरत दा ना आनंद लेना चाहिए। जो वाहेगुरु देख अंदर कण कण विच वाहेगुरु वस रहा, कोई जगह देख तू देख कैमरा देख घुमा तू जिथे पास घुमा उत्ते घुमा पिछे घुमा जितने भी देखेगा देख हर जगह कि जगह ऐसी जिससे वायरल ना हो। मैं कहना चाहना कि यार हर बंदे को ना एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए कि भी जिम्मेदारियां है ने वो है तो तू की कहना चाहना है इस बारे। मैं कहना चाहना कि भाई देखो असी ऐसे आए हैं तो असी बहुत राती भी समुद्र किनारे बैठे सी तो बहुत सानू सकून मिलिया ऐसे लहरां दी नशे चले जांदे ने। मैं कहना चाहना कि भाई अपना ऐ भी हुण चीज़ जिहड़ी हैगी है ना, अच्छा देखो इस तरह अब असी नज़र घुमाइए तो पहाड़ां दे एक तरीके नाल पत्थरां दे पिछे इन्हां ने एक बड़ा तगड़ा रिजॉर्ट बनाया होया है जो बिल्कुल ही अलूफ हैगा है बाकी दुनिया तो, ते ऐ सारी जगह बिल्कुल अलूफ हैगी है। ए रिजॉर्ट दिखते पे होंगे तुहानू ते ए होर भी अलूफ हैगी है ते अच्छा देखो मैं दिखाना रिजॉर्ट देखो सामने एक मिनट जीवे जन्नत होंदी है ना बंदे। मैं नहीं मैं मेरी गल सुन मैं कहना चाहना कि भाई देख दुनिया कह दे भी कश्मीर भी जन्नत है कश्मीरी जन्नत है। मैं गया मन कश्मीरी जन्नत नहीं दिखी, कश्मीर जन्नत होंगी ना ऐसे तेरे सामने देख ऐसे अद्धे तो ज्यादा कश्मीरी इतने काम करने वास्ते आया होया है। जिरी दुकान देखी तू दस वो कश्मीरी निकलिया। हाँ वो जिरी दुकान देखी जिथे जा रहे हो वह बंदा कश्मीरी है इधर अद्धे तो ज्यादा जन्नत ही मिली। हाँ वाहेगुरु ऐ देखो जी किन्नी सोहनी जगह हैगी और इधर असी आके वाहेगुरु नूं याद करने आ जो करने आ ऐ देखो नेचर नूं पूरा इंजॉय करने आ सब कुछ हैगा नाल जेपी हैगा ऐ भी नेचर नूं इंजॉय कर रहा है। लेकिन ऐ कुछ लोग देखो इत्थे आके की करदे ने ऐ शराबा पींदे ने इहनां दा इंजॉयमेंट हैगा ते इंजॉयमेंट करन तों बाद बोतल इत्थे ही सुट्टदे ने। ते देखो जी ते ना मैं रिक्वेस्ट करना कि भाई यह काम ना किया करो यही थोड़ा घर ही हैगा अपना कुदरत हैगी है तुहाडा अपना घर हैगा तो इहनूं गंदा ना करो प्लीज़। तो जे भी तुसीं कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहवागा कि भाई देखो इन्नी वधिया जगह हैगी है तो इहनूं गंदा करके तुसीं जिहड़े इत्थे फॉरनर भी आंदे ने ओह कहणगे किन्ने गंदे बंदे हैगे ने इंडियनस कि अपनी अपनी जिहड़ी इन्नी वधिया सड़क वर्गी जगह हैगी उहनूं भी गंदा करन दे विच उहनां ने कोई कमी नहीं छड़दे पए ते ऐसे किन्नी कोल कोई सफाई कर लेगा जे लोकी ऐसे कच दा असी किन्नियां बोतलां सी 50-100 बोतलां सड़ चुके आ पहले ही दस आंदे आंदे
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜਗਾ ਜਗਾ ਜਿਥੇ ਦੇਖ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੋਤਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ये रूम है जिसमें हम रुके हैं ये यहाँ के ओनर हैं क्रिश्चियन भाई हेलो गुड मॉर्निंग यहाँ पे एसी हॉट शावर सब कुछ है इस रूम में बाथरूम में हॉट शावर सब कुछ लगा हुआ है किशन भाई कोई दिसंबर जनवरी फरवरी में आता है तो इस रूम का क्या रहेगा फिलहाल के लिए तो अभी तो प्राइस थोड़ा कम जाता है लेकिन दिसंबर जैसे आप मेन टाइम ऑफ द सीजन आते हो तो इस रूम का प्राइस अराउंड 3,500 to 4,000 तक का होता है क्योंकि वही एक टाइम है कि जितने पैसे हैं हम लोगों ने इन्वेस्ट किया कुछ तो कमा सके और ये बीच साइड प्रॉपर्टी है एकदम बीच के नजदीक है एकदम बीच के नजदीक है जैसे आप बालकनी में आप बैठते हो आपको पूरा बीच का व्यू दिखाई देगा और अगर वीडियो देख के कोई आपसे कांटेक्ट करेगा तो आप उसके लिए क्या डिस्काउंट करोगे वो उनके डिपेंड है जितने वो ज्यादा दिन के लिए रखेंगे उनके लिए वो तो कम प्राइस कम हो जाएगा सर ठीक है जितना ज्यादा दिन का प्राइस कम है अगर एक दो दिन के लिए लास्ट लोएस्ट प्राइस हम तो 3,000 तक कर सकते हैं 3,000 तक हो जाएगा जैसे न्यू ईयर के और क्रिसमस के टाइम पे आते हो ठीक है ओके थैंक यू आज का व्लॉग Thank you.